क्या आपकी भी शिकायत रहती है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ नहीं होते हैं, क्यों मैंने इतना महंगा वॉशिंग मशीन ले लिया, या मैंने ये वॉशिंग मशीन का जो मॉडल है वो सही नहीं लिया, या मैंने सही पसंद नहीं की, मुझे दूसरे ब्रांड के वॉशिंग मशीन लेने चाहिए थे। ये सब चीजें अगर आपके दिमाग में आती हैं आपके अपने कपड़ों को लेके, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि वॉशिंग मशीन गलत है। आपने इतना महंगा वॉशिंग मशीन लिया है तो बना है तो कुछ तो रीजन से बना होगा ना। तो आज मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को बताने वाली हूं, जिसका अगर आप यूज करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ होंगे। मैं ऐसे नॉर्मली नहीं बताने वाली हूं कि आप इस फंक्शन में कपड़े धोइए, या इस डिटर्जेंट का यूज करिए, या आप पानी अलग चेंज करिए। मैं ये सब चीजें, फालतू की चीजें नहीं बोलूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बातें इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूं वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, कि आप अगर ये काम करेंगे ना, तो इससे आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ होंगे। तो चलिए, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और आपको अगर वॉशिंग मशीन से रिलेटेड वीडियोस अगर हमेशा आपको चाहिए, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अगर लास्ट में आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है वॉशिंग मशीन में, जो कि आपको हर महीने में एक बार जरूर करना है, वो ये है कि आपका जो ड्रेन पंप मेंटेनेंस है, इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। ये जो एरिया होता है, जब पानी जब ड्रेन होता है ना, फोर्स में ड्रेन होता है, बाहर निकलता है, तो उस वक्त क्या होता है कि थोड़ा सा पानी इसमें आ जाता है, जिसे हमें क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। और जब तक आप इसको क्लीन नहीं करेंगे, पानी इसमें ही सड़ता रहता है। तो देखिए, आपको जब आप अभी इसको ओपन करके जब आप क्लीन करेंगे ना वीडियो देखने के बाद, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कितना सारा पानी इकट्ठा हुआ था, और उसकी महक से आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन से ये साफ नहीं हुआ है। तो जब आप इसको क्लीन करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि ड्रेन का जो ये ड्रम है, ये भी क्लीन रहेगा, और उससे आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ होंगे। तो इसको कैसे साफ करना है, इसको कैसे ये जैसे कैप है, इसको भी ओपन करना पड़ता है, इसको भी राउंड करके ओपन करना पड़ता है, बट ये जल्दी इजिली होता नहीं है। तो इसका बहुत ही इजी मेथड मैंने एक वीडियो बनाया है, डिटेल पूरा वीडियो ही वो ये ड्रेन पंप क्लीन का है। तो आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके जरूर वो वीडियो देखिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपने जबरदस्ती किया इस कैप को ओपन करने में, तो हो सकता है कि ये कैप टूट जाए और ये रिप्लेस भी ना हो। तो प्लीज वो वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप जरूर देखें, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो सबसे पहला काम आपको अपना ये ड्रेन पंप का जो एरिया है, इसे क्लीन करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि आपको अपना ड्रम डिस्केल करना बहुत जरूरी है। ड्रम स्केल से क्या होता है कि ये जो ड्रम है ना, ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसमें जो होल्स है ना, ये ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे कि पानी अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाता है, गंदगी भी इसी में जमा हो जाती है, जिससे कि कपड़े अच्छे साफ होते ही नहीं। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारा जो कपड़ा है वो अच्छे से स्पिन हो ही नहीं रहा, कपड़े अच्छे से सूखे हुए नहीं निकल रहे। तो उसका ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपका जो ड्रेन है, ये जो ड्रम है, ये क्लीन नहीं है, इसके होल्स ब्लॉक है। तो इसको भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपको ड्रम डीस्केल करना है। ड्रम डीस्केल क्या होता है, कैसे करना है, वो डिटेल्ड वीडियो अलग एक वीडियो है, जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर मैंने हर चीज इसी वीडियो में अगर बताने लग गई ना, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो इसीलिए मेन चीज जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पहला आपको ड्रेन पंप क्लीन करना है, इसका भी वीडियो है अलग से कैसे क्लीन करना है। ड्रम डीस्केल करना है, इसका भी वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं सबका लिंक दे दूंगी। आप लोग प्लीज एक एक बार, दो दो मिनट के वीडियोस होंगे, आप जाके वो जरूर देखें। तो ड्रम डीस्केल करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि ड्रम डीस्केल कितने कितने दिनों में करें। तो आपका अगर नया वॉशिंग मशीन है, और आप हफ्ते में सिर्फ एक से ज्यादा दो बार अगर वॉश कर रहे हैं, तो आप 4 से 5 महीने में भी ड्रम डीस्केल कर सकते हैं। बट आपकी फैमिली बड़ी है, आपको हर दूसरे दिन वॉशिंग मशीन चलाना पड़ रहा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि 2 से 2.5 महीने में आप अपने ड्रम को डीस्केल जरूर करें। ड्रम डीस्केल करने के लिए एक छोटा सा पाउच आता है डिटर्जेंट टाइप में, वो अलग होता है, ये नॉर्मल डिटर्जेंट से नहीं क्लीन होता है, वो एसिडिटिक डिटर्जेंट होता है, जो आपको परचेज करना पड़ेगा, वो डाल के आपको ड्रम डीस्केल करना है। उसके बाद क्या होगा ना कि आपका ड्रम इतना चमकेगा, सारे ब्लॉक्स जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। जब ब्लॉक सारे ओपन हो जाएंगे, तो गंदगी सब हट जाएगी,
पानी अच्छे से ड्रेन होगा तो आपके कपड़े अच्छे सूखे भी निकलेंगे, फिर आपके कपड़े भी अच्छे साफ होंगे, तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। तो दूसरा आपको काम करना है या आपको अपना ड्रम क्लीन करना है। देखिए फ्रेंड्स, तीसरे पॉइंट में दो पार्ट हैं, छोटा सा है वो और दोनों चीजें छोटी छोटी हैं, तो मैं उसको एक ही में इंक्लूड कर रही हूं। तो तीसरा काम आपको क्या करना है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूं। तीसरा काम आप लोगों को करना है, आपको अपना ये वाटर फिल्टर को हमेशा क्लीन करना है। अगर आपको लगे कि ये बहुत पुराना हो गया है तो इसको आप चेंज भी करिए। ये तो मशीन के साथ ही हम लोगों को मिला था, जैसे मेरा भी देखो बहुत गंदा लग रहा है, मुझे भी क्लीन करने की अभी जरूरत है, तो मैंने भी छोड़ा हुआ था क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था कि वाटर फिल्टर को कैसे क्लीन करना है। तो मैं जब इसका वीडियो बहुत ही जल्द आएगा आप लोगों के पास, तो इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। तो ये पूरा ब्लैक हो रखा है, इसका मतलब इसमें पूरे ये डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा हो रखे हैं, जिससे कि साफ पानी अंदर नहीं जा रहा है। ये इनलेट पाइप है जो कि पानी वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है, तो जब साफ पानी जाएगा तो आपके कपड़े भी अच्छे साफ होंगे। तो आप लोग प्लीज इसका भी थोड़ा सा ध्यान, ये तो ट्रांसपेरेंट है, दिख भी जाता है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपका वाटर जो ये फिल्टर है ये हमेशा क्लीन आप करते रहिए और हमेशा क्लीन रहना चाहिए। तीसरी में जैसे मैंने बताया था कि उसके दूसरा पार्ट भी है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कपड़े अच्छे साफ हो, मैं भी यही चाहती हूँ क्योंकि मैं वीडियोस उन्हीं चीजों पे बनाती हूँ। तो तीसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि कपड़े बहुत ज्यादा डाल के ना धोएं, आधा ड्रम या उससे थोड़ा सा ज्यादा ड्रम के लेवल का ही कपड़े हों, तो देखना आप कपड़ों में बहुत अच्छी सफाई होगी। तो बहुत ज्यादा कपड़े डाल के ना धोएं, और दूसरा डिटर्जेंट भी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो डिटर्जेंट की महक और डिटर्जेंट के स्टेन्स कपड़ों में ही रह जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होते हैं उसमें पानी का भी यूज बहुत कम होता है, तो इसीलिए डिटर्जेंट कम डाल के धोइए, कपड़े कम डाल के धोइए, इससे कपड़े आपके बहुत अच्छे साफ होंगे। उसके साथ ही साथ बहुत लोगों की शिकायत होती है कि कपड़ों के कलर उड़ जाते हैं, कपड़े एकदम बेकार हो जाते हैं, तो उसका रीजन ये है कि आप कपड़े बहुत ही गर्म पानी में धोते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। गर्म पानी में आप बहुत ही मोटे कपड़े हैं या बहुत ही मतलब ज्यादा लंबे गैप पे कोई कपड़ा धो रहे हैं, जैसे क्या होता है बेड कवर्स जो होते हैं वो हम 15 दिन या 20 दिन पे या हफ्ते दिन पे चेंज करते हैं, तो वो आप गर्म पानी हॉट वाटर में धो सकते हैं, लेकिन जो डेली वेयर्स के कपड़े हैं या फिर जो आप बाहर जाते हैं जो अच्छे कपड़े होते हैं उनको आप कोशिश करिए कि आप ठंडे पानी में ही कपड़े धोइए, उससे आपके कपड़े खराब भी नहीं होंगे और आपके कपड़ों के कलर भी नहीं जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका आरपीएम जो है वो भी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर गर्मी का दिन है तो आप आरपीएम कम करें, क्योंकि आरपीएम जितना ज्यादा करेंगे वॉशिंग मशीन उतना ज्यादा राउंड लेगा स्पिन के टाइम पे, और आपके कपड़ों में स्टेन होंगे या कपड़े आपके बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे जिससे कपड़े डैमेज होते हैं। तो गर्मी का दिन है तो आरपीएम आप कम पे रखें, थोड़ा सा भी कपड़ा बाहर भी डाल देंगे ना तो कपड़ा सूख जाएगा। ठंडी का दिन है तो आरपीएम हाई रखिए, एक कोशिश करिए कि आरपीएम भी मीडियम आप रखें। इन सब चीजों का आप फॉलो करते हुए कपड़े धोएंगे ना तो आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ होंगे। मुझे तो आज तक कोई शिकायत नहीं आई है, इसीलिए मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। आप लोगों को भी कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी वॉशिंग मशीन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। वीडियो अगर टाइम लग रहा होगा तो मैं शॉर्ट्स बना के ही अपलोड कर दूंगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और जो जो मैंने वीडियो कहा है उस वीडियो को आपको जरूर देखें। एक बार आप मेरे वीडियो देख लेंगे तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका हर बार वो वीडियो आपके लिए काम आएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बॉश वॉशिंग मशीन या कोई भी वॉशिंग मशीन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज बनाती रहती हूँ जो कि आपके काम आ सकता है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। Bye.